हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 10 के सेल डिवीजन के लास्ट थ्री इयर्स के कुछ नीट के क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक की बात करेंगे इस चैप्टर से, जो आपको इस बार नीट में आने की उम्मीद है। ठीक, तो चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, चलिए। तो ये आपका नीट 2020 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जी1 फेज। तो आप जानते हैं सेल साइकिल को हम लोग दो फेजेस में बांट सकते हैं, सेल साइकिल को दो फेजेस में, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज पहले ऐसा माना जाता था कि इंटरफेज में सेल कुछ भी नहीं कर रही, रेस्ट कर रही है, लेकिन आज की तारीख में हम लोग जानते हैं कि इंटरफेज में सेल अपने को तैयार कर रही होती है फॉर द अपकमिंग सेल डिवीजन। और इंटरफेज को फर्दर आप बांटेंगे तीन फेजेस में, G1S और G2। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लगातार ग्रो कर रही है, कुछ अपने सेल ऑर्गेनिल बना लेगी, थोड़े बहुत प्रोटीन बना लेगी, प्रोटीन जो उसको आगे चाहिए। और इसके अलावा G1 फेज में ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रोथ कर रही है, साथ में आने वाले समय के लिए प्रोटीन्स बना रही है। ये G1 फेज का काम है। G1 फेज लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज की। उसके बाद सेल एंटर हो जाएगी एस फेज में। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन करती है, और अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी करेगी। एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन्स एस फेज में बनेंगी। फिर G2 में एंटर हो जाएगी। G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाती है, जिसका कि रोल है स्पिंडल फॉर्मेशन में। तो G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है, सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होते हैं। और फाइनली ये एम फेज में एंटर हो जाएगी। एम फेज को फर्दर बांटा हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और साइटोकाइनेसिस में अल्टीमेटली डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और अल्टीमेटली एक सेल दो सेल में बट गई। ये हो रहा है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट इसने कहा है रिगार्डिंग G1 फेज, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डू नॉट रेप्लीकेट इट्स डीएनए। यही इसका सही है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो कर रही है, लेकिन रेप्लीकेशन डीएनए का नहीं कर रही। हम लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, न्यूक्लियर डिवीजन एम फेज में होगा, डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स ऑफ, ये भी हमारा इस फेज का ये नहीं है कि सारे सेल कंपोनेंट फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है ये वाला, जिसमें कह रहा है जी कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो कर रही है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती। यही G1 के बारे में सही है। तो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डू नॉट रेप्लिकेट इज द राइट आंसर। द G1 फेज ऑफ इंटरफेज इंक्लूड सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन, प्रोटीन बनी जैसे मैंने कहा, डुप्लीकेशन ऑर्गेनल्स हुए, डुप्लीकेट हुए ऑर्गेनल्स, सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम एट्सेट्रा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेसिस फेज एंड सेल डिवीजन। तो वो सारे प्रोटीन्स बनी जिनकी एस फेज में आवश्यकता है, सेल डिवीजन में आवश्यकता है। देयर फोर इट इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, बट डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट टेक प्लेस। हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, 2020 का ये क्वेश्चन है। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव फेज, दिस इज कॉल्ड क्विंसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग G1 फेज। देखिए, हम लोगों ने अभी देखा सेल साइकिल को, कि हम लोगों ने सेल साइकिल को बांटा था इंटरफेज और एम फेज में, बांटा था हम लोगों ने सेल साइकिल को इंटरफेज और एम फेज में। फिर से एक बार देख लेते हैं इंटरफेज और एम फेज को हम लोग। तो सेल साइकिल को हम लोगों ने बांटा था इंटरफेज और एम फेज में। ओके, ये था हमारा यहाँ से यहाँ तक इंटरफेस G1, S और G2। उसके बाद हमारा हो गया था क्या, इंटरफेस के बाद M फेज, जिसको कि प्रॉपर सेल डिवीजन फेज बोलते हैं। सेल प्रॉपर डिवीजन फेज में यहाँ तक चला। तो कैरियोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रो, मेटा, एना, टीलो, और आखिरी में आके साइटोकाइनेसिस हुई। तो दो सेल्स बन गई, दो डॉटर सेल बन गई, वो एंटर हो जाएंगी फिर से G1 में। G1 में एंटर होने के बाद हो सकता है वो सेल साइकिल को क्विट कर जाएं और G0 में चली जाएं, कॉन्सेंट स्टेज, रेस्टिंग स्टेज, और हो सकता है पूरी ज़िंदगी इसी में काट दें, जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स करते हैं और कार्डियक मसल सेल्स करती हैं। कार्डियक मसल्स एक ही बार डिवाइड होती हैं, कार्डियक सेल्स उसके बाद डिवाइड नहीं होती थ्रू ऑफ द लाइफ। इसी तरह से न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन एक ही बार डिवाइड होते हैं, उसके बाद डिवाइड नहीं होते। तो G0 में एंटर हो जाते हैं क्विंसेंट स्टेज। तो इसको हम लोग बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्विंसेंट स्टेज।
दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग जीवन फेज। जीवन फेज में डिसीजन लिया कि आगे का रास्ता हमें चलना है कि नहीं चलना। भाई आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आपको लगा नहीं मुझे विश्राम कर लेना चाहिए, धर्मशाला में पढ़ के सोना चाहिए, तो आपने अपने को विड्रॉ कर लिया, जीवन से विड्रॉ होकर जीरो में आ गए, आगे नहीं गए। तो जीवन फेज में ये होता है कि सेल्फ जीरो में चली जाती है। सेल्स इन जी जीरो, सेल्स इन जी जीरो, अभी क्या किया हम लोगों ने, एग्जिट कर लिया उसने सेल साइकिल से, सेल साइकिल से बाहर निकल आई, अभी जो बनाया था उसी का ये है, नीट 2019 में आया, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लिए गए G1S और G2, और इधर हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है जी। तो ये हमारा बता रहा है एम फेज, और यहाँ से यहाँ तक बता रहा है इंटरफेज, यहाँ तक इंटरफेज हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इंटरफेज के बाद ये हमारा एम फेज है, यहाँ से यहाँ तक हमारा एम फेज है, जिसमें आपका साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, आखिरी में आके दो सेल्स बन गई, और दो सेल्स जीवन में से बाहर निकल आई, उसने क्या किया, एग्जिट द सेल साइकिल, सेल साइकिल से बाहर निकल आई। करेक्ट आंसर इज एग्जिट द सेल साइकिल, सेल्स इन जी जीरो फेज आर सेड टू एग्जिट सेल साइकिल, दे आर एट क्विंसेंट स्टेज, अभी बात करी क्विंसेंट स्टेज, एंड डू नॉट प्रोलीफरेट अनलेस ट्रिगर्ड बाय केमिकल स्टिमुलेशन, और हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर रिकॉल कर ली जाए कि आज भैया ज़रूरत है रिपेयर करने के लिए किसी एपिथेलियल टिश्यू को या कुछ, तो अगर ज़रूरत होगी तो जी जीरो से वो फिर जीवन में एंटर हो जाएगी, लेकिन न्यूरॉन्स और कार्डियक मसल्स कभी भी एंटर नहीं होते, थ्रू आउट लाइफ वो जी जीरो में रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस, कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेम्बली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेम्बली प्रोफेज में ही हो जाता है, और कंडेंसेशन प्रोफेज में ही हो रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेम्बली हो गई, डिसेम्बल हो गए, क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर के बाद सेग्रीगेशन, और देखिए ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये मियोसिस का है, तो इसको तो हटा ही दीजिए, क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होती, इसको हटा दीजिए। कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेम्बली, अरेंज इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, इसको हटा दीजिए, अब ये दो बचे आपके, ये तो मियोसिस को बता रहा है, ये मियोसिस को बता रहा है, तो इन दो को हटा दीजिए, इन दोनों में से अब देखिए कौन सा सही है। तो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद अरेंजमेंट एट इक्वेटर, जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टर्ब नहीं होगी वो इक्वेटर पे कैसे अरेंज होंगे, इसको चुन लीजिए। कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होते होते फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली हो गई, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गए क्रोमोसोम, उसके बाद अरेंज हो गए इक्वेटर पे। फिर एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवीजन हो जाता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, सेंट्रोमियर डिवीजन स्प्लिट हो गया, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, सेग्रीगेशन हो गया, टीलोफेज। ये वाला ऑप्शन नंबर सी का चयन कर लीजिए, नीट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर केवल मियोसिस में होगा, साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, उसी को एक्सप्लेन किया है, आप देख लीजिएगा, सेल डिवीजन पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीट 2020 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, बी के अपोजिट आप लिख लीजिए 3। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस होती है, ए के अपोजिट आप लिख लीजिए 4, ए 4 और बी 3, बस अब आगे ना समय बचा लीजिए, इसको चुन लीजिए ए 4 बी 3। देखिए नीट में यही कलाकारी है, नीट में आपने जो पढ़ के गए अच्छे से पढ़ के जाइए, अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ सुथरे रखिए, जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उसमें एक एवरेज बच्चा होगा आपसे 10 सेकंड ज़्यादा लगा देगा, क्योंकि उसको चैन नहीं मिलेगा जब तक वो ए बी के बाद सी और डी को मैच ना कर ले। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, आपको अपने फंडास क्लियर है, आपको अपनी नॉलेज पर भरोसा है, तो आप इन दो के बाद आपको ज़रूरत नहीं है इनको मिलाएं, वो अपने आप मिल जाएंगे भाई, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में ए फोर बी थ्री मैच नहीं है। हम लोगों ने ए फोर बी थ्री पढ़ के मैच कर लिया तो आगे के तो अपने आप अलाइन हो जाएंगे। सी कह रहा 2, सी था डिप्लोटीन 2, काइस्मेटा फॉर्मेशन बता रहा डिप्लोटीन में होता, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे का साथ छोड़ने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, तो केवल वहीं पे वो लोग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जहाँ बना था नोड्यूल
नोड्यूल पे, क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल पे वो केवल टच में है, तो आपको एक्स लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का दिखेगा, उसी को काइस्मा बोला था। तो काइस्मेटा फॉर्मेशन किस में हो रहा है, डिप्लोटीन में, डाइकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन ऑफ काइस्मेटा हो जाता। तो देखिए डी वन आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि ये मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है नीट को क्रैक करने के लिए। आपने ए और बी को क्रैक कर लिया था कि ए जाइगोटीन और पैकेटीन, पैकेटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर, जाइगोटीन में होता है साइनेप्सिस, ए के अपोजिट 4 और बी के अपोजिट 3। तो आगे अगर आप नहीं पढ़े, आपने अपना 5-10 सेकेंड बचा लिया, गॉट इट। ये आपको पूरे उसमें बायोलॉजी में अप्लीकेबल करना है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप देख लीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन, तो ये नीट 2019 उड़ीसा का, ये ब्लू कलर से इसीलिए इसके लिख रखा है, ये उड़ीसा में आया था, उड़ीसा अपना खुद कराती है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, 1 से 23 तक एक सेट हमारा जीनोम, एक जीनोम हमें फादर से मिला, 1 से 23 तक एक जीनोम हमें मदर से मिला। तो 9 नंबर का क्रोमोसोम जिसपे कि जीन आई सिचुएटेड है, जो निर्धारित करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा। 9 नंबर के क्रोमोसोम पे जीन आई, या तो आई ए एलील, या तो आई बी एलील, या तो आई ओ एलील, ठीक है। अब 9 नंबर का क्रोमोसोम हमारे माताजी का, 9 नंबर का क्रोमोसोम हमारे पिताजी का, ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। क्रॉसिंग ओवर कब होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के दौरान और पैकेटीन स्टेज में होती है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल का आदान प्रदान हो गया, थोड़ा हिस्सा इसका इस पे आ सकता है और इसका हिस्सा इस पे जा सकता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद जो सीन होगा, वो सीन कैसा होगा, वो सीन कुछ ऐसा होगा, ये समझिए कि ये हटाइए, इसको रब करना पड़ेगा तभी आप समझोगे। रब करता हूँ, नया बनाता हूँ, देखिए ये अब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो इस पे आ गया ब्लैक वाली टोपी आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है जी। और इस वाले पे आ गई है आपके, ये वाली टोपी, पहले एक्सचेंज से पहले ये सीन था, इसका पीस इधर आ गया, इसका पीस इधर आ गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। जरूरी नहीं है टर्मिनल एंड पे ही हो, बीच में से भी हो सकता, यहाँ से भी हो सकता, कहीं से भी हो सकता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड्स हैं, बहुत अच्छे से सुन लीजिए, इसमें आप लोग अक्सर फंस जाते हो। ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड क्या है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है भैया, ये डीएनए का थ्रेड जो कंडेंस हो जाता है उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए का थ्रेड जब कंडेंस हो जाता है तो उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए का थ्रेड कब कंडेंस होता है, एम फेज में, इंटरफेज में नहीं, इंटरफेज में वो धागे के रूप में फैला हुआ है, तो इंटरफेज न्यूक्लियस में फैला हुआ है, जब ये कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम कहलाता है। और इंटरफेज की एस फेज में इसने अपने अपनी रेप्लिका बना ली है, अपना प्रतिलिपि प्रतिकृति बना ली है, इसलिए जब ये कंडेंस होता है तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ऐसा दिखता है। ये सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कॉन्सेप्शन इससे लगा हुआ, ये क्रोमेटिड ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड, ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उसका हाफ पार्ट क्रोमेटिड कहलाता है, और ये भी क्रोमेटिड है, ये दोनों एक दूसरे के बहन है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इन्हीं के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल होगा, ठीक है जी। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल है, क्रॉसिंग ओवर है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो 8 नंबर का या 9 नंबर का क्रोमोसोम हमारे बॉडी में 1 से 23 तक जितने भी क्रोमोसोम है सब पेयर में, 23वां हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में एक जैसे हैं, XX होमोलोगस क्रोमोसोम है, हम लोगों में हिट्रोलोगस है, X और Y अलग अलग है मेल में। 22 ऑटोसोम तो सेम है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, तो सारी यही क्लास ले लोगे क्या बच्चे, उसके लिए मेरे जेनेटिक का वो देखो इस लेक्चर्स, ठीक है। तो हम लोगों में Z और Y, X और Y होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये नीट 2019 उड़ीसा का क्वेश्चन है, चलिए आगे चलें। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम दैट टेक प्लेस मियोसिस इज एडवांटेजियस।
क्रॉसिंग ओवर एडवांटेज यस है, क्यों? क्योंकि भैया नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे, वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आने से इवोल्यूशन होगा। प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, भैया इसके पास था ए और बी, और इसके होमोलोगस क्रोमोजोम के पास था रिसेसिव एलील। अब इसने बनाई अपनी रेप्लिका, उस पर भी ए और बी हैं, और इसने भी बनाई अपनी रेप्लिका, उस पर भी छोटा ए छोटा बी है। जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो हो सकता है ये टुकड़ा टूट के इधर आ जाए, ये टुकड़ा टूट के इधर आ जाए, तो उसके बाद क्या सीन होगा? क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो सिनारियो होगा, फिर से मैं इसको बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। मैंने बोला कि ये एक क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, इस पे ए एलील और इस पे बी एलील डोमिनेंट। तो जब रेप्लिका बनी, उसने तो अपनी फोटोकॉपी कर ली, और इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील, इसने भी फोटोकॉपी कर ली। क्रॉसिंग ओवर हुआ, मानो यहाँ से हुई, तो ये पार्ट इधर, ये पार्ट इधर। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्रोमोसोम कैसा दिखाई दे रहा? ए और बी, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ए बी। अब ये जब अलग अलग होंगे तो चार तरह के गैमिट बन जाएंगे, नए गैमिट, नए संयोजन। ये नया संयोजन है जो पिताजी में नहीं था या माताजी में नहीं था, छोटे ए के साथ बड़ा भी, बड़े ए के साथ छोटा भी, ये नए संयोजन बन गए, रिकॉम्बिनेंट बन गए। रिकॉम्बिनेंट बनने से ही वेरिएशन आते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बन गए, नए कॉम्बिनेशन बन गए, नए कॉम्बिनेशन से वेरिएशन, वेरिएशन से इवोल्यूशन। तो इट प्रोवाइड द सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है जी। अब देखिए, ये अब तक के तो पिछले तीन चार सालों के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए क्वेश्चन, अब क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो देखिए, मियोसिस बड़ा हिट रहता है, और मियोसिस से पिछली बार उन्होंने पूछ लिया, और मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट बड़ी हिट रहती है, वो उन्होंने पहली बार पूछ लिया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, वो पूछ लिया, कवर कर लिया। और उससे पहले वो लोग नीट में आपके माइटोसिस डिवीजन की भी स्टेजेस पूछ चुके, मेटाफेज वगैरह पूछ चुके। क्या अब आपके लिए बचता है इसको जिससे वो पूछेंगे? तो मेरा ख्याल है इस बार वो सेपरेशन पूछ सकते हैं कि लिंक जीन का सेपरेशन कब होता है, ऐसा आपसे पूछ सकते हैं। ये भी मियोसिस से रिलेटेड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो जब तक आपको लिंक जीन नहीं पता होगा तब तक आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दो कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ लग रहे हैं, लिंक जीन्स वो हैं जो एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, तो जीन्स कब एक दूसरे से अलग होते हैं ये पूछा गया है, लिंक जीन्स कब एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, सेपरेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अगर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं तो क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट का असॉर्टमेंट का भी आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। अभी मैंने बात करी थी होमोलोगस क्रोमोसोम, ये 9 नंबर का, ये 8 नंबर का, तो 9 नंबर का ये वाला इसके साथ भी जा सकता है गैमीट में, और 9 नंबर का ये वाला इसके साथ भी जा सकता है गैमीट में। ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि इसका गैमीट में जाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि 8 नंबर का, 8 नंबर का कौन सा क्रोमोसोम उसके साथ कंपनी कर रहा है, ये वाला कर रहा है कि ये वाला कर रहा है। ये वाला क्रोमोसोम 9 नंबर का 8 नंबर के इसके साथ भी कंपनी कर सकता है, इसके साथ भी कंपनी कर सकता है, ये होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लिंक जीन सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि लिंक जीन तो एक ही क्रोमोसोम पे, जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं वो लिंक कहलाते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम से लिंक जीन अलग नहीं होंगे। साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की साइनेप्सिस से, साइनेप्सिस से अलग नहीं होंगे, साइनेप्सिस पेयरिंग को बोल रहा है। तो पूछा था कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से लिंक जीन्स अलग होंगे, तो साइनेप्सिस से पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग होने से अलग नहीं हो रहे, लेकिन हाँ क्रॉसिंग ओवर जब होगी तो अलग हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने बनाया था क्रॉसिंग ओवर वाला, एक अभी आपको समझाया था, फिर से समझ लीजिए, क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो कैसे अलग हो सकते हैं? जैसे अभी बनाया था मैंने, ए और बी एक ही भी थे, लिंक्ड थे, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हुई ए और बी, उसके बाद आपने देखा था नए संयोजन बन गए थे, बड़ा ए इधर आ गया, छोटा ए इधर आ गया। तो क्रॉसिंग ओवर में ये चांस रहता है, ये चांस होगा क्रॉसिंग ओवर, अगर जिन जीन्स की हम बात कर रहे हैं वो जीन्स लिंक्ड हैं, एक ही क्रोमोसोम पे हैं, और क्रॉसिंग ओवर उनके बीच से हो जाए तब वो अलग अलग होंगे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर बीच से नहीं होगी तो नहीं होंगे। मतलब ये समझो मेरे भाई, ए और बी, अब क्रॉसिंग ओवर यहाँ कहीं से हो इसके बीच में से, तभी ये अलग अलग होंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हुई, ये टुकड़ा गया और उधर वाला टुकड़ा आया इधर, तो फिर ये अलग थोड़ी ना हुए। तो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड बिटवीन दोज जीन्स, अगर वहाँ से होगी तो वो अलग अलग हो जाएंगे, लिंक जीन भी अलग अलग हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर के दौरान।
चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मेटाफेज इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज से इस बार आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए और इससे भी क्वेश्चन अभी आखिरी में आके मैं लिखता हूँ क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है। दिस स्टेट एडमिट मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट इजली स्टडीड। रॉन्ग पूछा है, ये स्टेटमेंट ठीक है। पहला स्टेटमेंट ठीक है कि मेटाफेज वो स्टेज होती है जिसमें आप अच्छे से बहुत अच्छे से क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को स्टडी मार्फोलॉजी को कर सकते हैं। ठीक स्टेटमेंट है। मेटाफेज क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। मेटाफेज में टू सिस्टर क्रोमेटिड है क्योंकि डुप्लीकेशन हो चुका है। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, जिसको सेंट्रोमियर पकड़ के रखी है, हेल्ड किया हुआ उसने दोनों क्रोमेटिड को। बिल्कुल ठीक बात है। पहला स्टेटमेंट भी ठीक, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक। मेटाफेज क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, बिल्कुल ठीक बात है भाई, टू सिस्टर क्रोमेटिड से बना। स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ क्रोमेटिड आर कॉल्ड सेंट्रोमियर, गलत बात है। स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एट द स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ होना चाहिए आर कॉल्ड काइनेटोकोर होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए सेंट्रोमियर, यहाँ पे होना चाहिए काइनेटोकोर। ये स्टेटमेंट गलत है। स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ क्रोमेटिड आर कॉल्ड सेंट्रोमियर, गलत है ये स्टेटमेंट। कैरेक्टराइज बाय ऑल द क्रोमोजोम कमिंग टू लाई एट इक्वेटर, ये बात ठीक है कि मेटाफेज में आप देखेंगे सभी क्रोमोजोम आके इक्वेटर पे अरेंज हो गए। ऑल द क्रोमोजोम्स लाई एट द मेटाफेज प्लेट, बिल्कुल ठीक बात है। ये स्टेटमेंट ठीक, ये ठीक, ये ठीक, ये स्टेटमेंट गड़बड़। क्या गड़बड़, वो भी आपको समझाया। फिर से समझ लीजिए, स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड क्रोमेटिड। ये स्टेटमेंट ठीक होता जो कि दिया नहीं है। आगे चलता हूँ। ड्यूरिंग एस फेज द सिंथेसिस ऑफ डी एन ए टेक प्लेस, एस फेज में सिंथेसिस ऑफ डी एन ए हो जाएगा, डी एन ए डुप्लीकेशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इट, द कंटेंट ऑफ डी एन ए आफ्टर एस फेज बिकम्स डबल, कंटेंट डबल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। एंड क्रोमोजोम नंबर आल्सो गेट डबल, क्रोमोजोम नंबर डबल नहीं होगा। तो अगर आपके पास पाँच आम थे दो दो किलो के, सुन लीजिए ध्यान से, या छः आम थे दो दो किलो के, छः ही रहे, अब वो चार चार किलो के हो गए, ये हुआ है। तो डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड उसी से अटैच है। ठीक है भैया, अगर आपके पास छः आम थे दो दो किलो के, तो वो छः ही रहे लेकिन चार चार किलो के हो गए क्योंकि एक मॉलिक्यूल डीएनए का और उससे अटैच हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए अमाउंट डबल हो गया, क्रोमोसोम नंबर, तो आम भी दो दुगने हो गए और कंटेंट, आम दुगने नहीं हुए, क्रोमोसोम नंबर दुगना नहीं हुआ लेकिन कंटेंट डबल हो गया। द क्रोमोसोम नंबर गेट्स डबल, यहीं गल रुक जाइए, आगे मत पढ़िए, समय ना खराब करिए। क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ, द कंटेंट ऑफ डीएनए आफ्टर एस फेज बिकम डबल एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, यही सही है, इसको चुन लीजिए सी। डी में कह रहा है वी कांट प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर नहीं बता सकते कह रहा, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा जो कि गलत है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर हम क्यों नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहेंगे। तो टिंग टिंग टिंग, ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में अब आपने किसको फोकस करना है, मेटाफेज स्टेज को पढ़िए ध्यान से। उसमें जो स्टेटमेंट दे रखे हैं चार छः, हो सकता है उससे क्वेश्चन बना दे, छः चार छः स्टेटमेंट दे के पूछे विच वन इज करेक्ट और विच वन इज नॉट करेक्ट, एक तो ये। दूसरा, जहाँ पे आपका सेल साइकिल की शुरुआत है, सेल साइकिल में जहाँ पे एस फेज में उसने डीएनए डुप्लीकेशन बताया है, तो सी और एन वैल्यू क्या होती है। सी वैल्यू होती है पीकोग्राम में डीएनए कंटेंट, डीएनए का अमाउंट कितना, कितने किलो है, और एन बताते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए तो डुप्लीकेट हो जाएगा, सी अमाउंट तो डबल हो जाएगा लेकिन एन अमाउंट वही रहेगा, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। और इसके लिए अगर आप सी और एन में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो मेरे लेक्चर देख लीजिए। फिर से समझ लीजिए, दो मिनट यहाँ देता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो किसी कोशिका में मानिए जब वो एंटर हुई है एस फेज में, उसमें अगर कंटेंट सी वैल्यू, सी वैल्यू टू सी है, तो एन वैल्यू कितनी होगी, टू एन होगी, क्योंकि एक जीनोम जब एन की संख्या एक होती तो उसका जो डीएनए अमाउंट होता है वो वन सी कहलाता। फिर से सुन लो, भटक गए होगे तुम लोग, जरूर भटक गए होगे। फिर से सुनो, किसी कोशिका में, कोशिका दो तरह की हो सकती है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। अब ये ना समझ पूछ लेना कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड क्या होता है। हैप्लॉयड कोशिका वो जिसमें नंबर ऑफ जीनोम इज एक, एंड डिप्लॉयड इज वो जिसमें नंबर ऑफ जीनोम इज टू, हैप्लॉयड डिप्लॉयड। तो हैप्लॉयड कंटेंट, जैसे हम लोगों में हैप्लॉयड कोशिका कौन होगी, गैमीट होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, उसका अगर आप डीएनए को तोल लीजिए पीकोग्राम में, किलोग्राम में नहीं पीकोग्राम में, तो वो कहलाएगा 1C वैल्यू। 1C वैल्यू ऑफ अ सेल टेल्स अबाउट द डीएनए कंटेंट ऑफ दैट सेल
व्हेन द न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड इन नेचर, जब सेल हैप्लॉइड नेचर की है, एक जीनोम है तो उसका जितना डीएनए होगा वो उसकी वंशी वैल्यू कहलाएगी, अब समझ में आई बात। और अगर 2n है, डिप्लॉयड सेल है, तो वो 2c वैल्यू कहलाएगी, अब समझ में आई बात। तो जब डीएनए डुप्लीकेट करता है अपने को एस फेज में, तो n वैल्यू तो सेम रहती है, अगर 2c, अगर n वैल्यू 2n थी इनिशियल, तो वो n 2n ही रहेगी। हाँ, पहले उसका कंटेंट 2c था, लेकिन अब 4c हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि डीएनए ने अपने को रेप्लिकेट कर लिया। तो n और 2c वैल्यू जहाँ दे रखी उसको आप समझ लीजिए, ना समझ में आए मेरे लेक्चर देख लीजिए। एक तो ये n और c वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एक मेटाफेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, मेटाफेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और मियोसिस जो आपके फायदे हैं जिसको मैंने डिस्कस किया था, लिंकेज वगैरह, क्रॉसिंग ओवर वगैरह, उस चीज़ को वो टारगेट कर सकते हैं। तो ये तीन आपके टॉपिक इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट हैं, बाकी तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ना, रिस्क लेना नहीं है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मैं इन तीन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ने को बोलूँगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, अगले चैप्टर की मैं तैयारी करता हूँ ताकि आप लोग के लिए लाऊँ। जो प्रिडिक्शन है मेरी, दारू वाला, बेजान दारू वाला की तरह जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, 13 तारीख को हम लोग उठे के बैठेंगे, मिलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, मौज मनाएंगे, और ये देखेंगे कि कितने प्रिडिक्शन सही हुए। ओके, मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।